بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ تعالی دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک دی توفیق خاص نل اج سارے اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. دعا فرماؤ اللہ تعالی ساڈا سارے دا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے تو قبل بڑے ہی پیارے انداز دے نال شاہ محترم حضرت مولانا عامر یزدانی حافظہ اللہ صاحب گفتگو فرما رہے سن. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل اندر اضافہ فرمائے. میرے تو بعد میری جماعت دے سرمایہ منادر اسلام شاہ محترم حضرت مولانا عبداللہ نشار حافظہ اللہ صاحب تہاڈے سامنے گفتگو فرمان گے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے استادہ محترم دی زندگی اندر، صحت اندر، علم اندر، ایمان اندر اللہ برکت دا نزول فرمائے. حضرات محترم، اس دنیا کائنات اندر جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، اس دنیا کائنات اندر زمین تے اور آسمان تے جتنے بھی کام ہو رہے نے، وہ کام تین طرح دے اندر تقسیم نے. پہلے نمبر تے انسان کچھ کام ایسے نے کہ انسان کر رہے ہیں، کچھ کم ایسے نے کہ جڑے ملائکہ کر رہے نے، کچھ کم ایسے نے کہ جڑے خالق کائنات فرما رہے نے. انسان دا کم کیا ہے؟ اللہ دی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ملائکہ دا کم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیاں لگائیاں ہوئیاں ڈیوٹیاں نو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ دا کیا کم ہے؟ اگر کوئی مشکل دے اندر ہے، او دی مشکل نو حل کرنا. اگر کوئی ضرورت مند ہے، او دی ضرورت نو پورا کرنا. اگر کوئی تنگ دست ہے، او دی تنگ دستی نو دور کرنا. انج کہہ لیے کہ اللہ دا کم ہے پوری کائنات دا نظام چلانا. ہر کم اپنی اپنی جگہ تے ہو رہے. جیڑا کم اللہ تعالی کر رہے نے، او کم ملائکہ کر دے. جیڑا کم ملائکہ کر دے نے، تے او کم انسان کر دے نہیں. مگر ایک کم ایسا ہے، او کم اللہ بھی کر رہے نے، ملائکہ بھی کر رہے نے، انسان بھی کر رہے نے. اس کم دا نام ہے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا. پڑھو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات دی وقار، اگر میں انج کہہ دواں میرے نبی دی ذات، میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مقام اتنا اعلیٰ ہے
के जिदी जात ते सारा जग दरूद पढ़ दे और अरशां वाला रब खुद दरूद मेरे नबी दी जात ते पढ़ दे। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। वक्त बड़ा सुहाना है और दरूद तुसी मेरे नाल नाल पढ़ना है। दरूद दी शान क्या है, जेड़ा मेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़ना शुरू कर देंदे अल्लाह दी दुनिया भी बेहतर कर देंदे ने ते आखरत भी बेहतर कर देंदे ने। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। तुसी अहबाब जो समात फरमाओ अल्लाह ताला सुनन तो बाद समझन तो बाद उदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दा नाम आए कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिदी। मोहब्बत नाल प्यार नाल शौक नाल ज़ौक नाल अदब नाल दरूद पढ़ना है ते सारियां पढ़ना है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नादर गुण वाला अल्लाह दा कुरान गए फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कोई गल नहीं तुसी उच्ची सुभान अल्लाह नहीं किया ते कोई गल नहीं अल्लाह दा कुरान गए फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु फरमाया बेशक अल्लाह और अल्लाह दे मलाइका मेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़ते ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनो सल्लू अलैहि व सल्लिमो तस्लीमा। फरमाया ए ईमान वालेओ तुसी भी मेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़ो। की करो ईमान वाले हो ना सारे ते फिर गज के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला आवाज आए अल्लाहुम्मा सल्ले अला। ऐ जरा बुकला मुंह तो लाओ हजरा मैनू भी पता चले कि तुसी बेदार हो के बैठे हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। आइए मेरे पाक पैगंबर दे फरमान ते गौर कीजिए अल्लाहु अकबर अल्लाह। सैयदना अनस रजी अल्लाह को फरमा देने मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मन सल्ला लिया सलातन वागिदन फरमाया जड़ा बंदा मेरी जात ते एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा खालस दिल दे नाल मुखलस को करके एक दफा अपनी जुबान तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। उन्हों मिलेगा की फरमाया उन्हों मिलेगा अल्लाह उदिया दस नेकियां उन्हों अता कर देंगे अल्लाह दस गुना माफ कर देंगे और उदे दस दर्जे बुलंद कर देंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे नबी दा एक और मुकाम सुनना फरमाया मन सल्ला अलैया ही न युस्बिगो वही न युम्सी अशा
शराब। फरमाया जेड़ा बंदा मेरे नबी दी जात सुबह नूं 10 मर्तबा दरूद पढ़दा है ना, शाम नूं 10 मर्तबा दरूद पढ़दा है ना। इंज कह लिए सुबह दा आगाज 10 मर्तबा दरूद है, सुबह दी इंतहा 10 मर्तबा दरूद है, सूरज तुलू गुंदा पिया है मेरे नबी दी जात ते 10 मर्तबा दरूद पढ़दा है, सूरज गुरूब गुंदा पिया है मेरे नबी दी जात ते 10 मर्तबा दरूद पढ़दा है ना। अल्लाह मिलेगा कियो, फरमाया कल कियामत दा दिन होएगा शफात यौमल कियामा, मैं उस बंदे दी शफात करांगा, मैं ओदे गुट तो पकड़ के अल्लाह दे सामने अर्ज करांगा, अल्लाह ऐ ओ बंदा है जिन्ने मेरी जात ते 10 मर्तबा सुबह नु दरूद पढ़िया, 10 मर्तबा शाम नु दरूद पढ़िया, अल्लाह मेरी मन क्यों नु जन्नत दा कर देगा। हजरात दी वकार, अगर चांदे हो जन्नत मिल जाए फिर पढ़िए अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कोई जुबान खामोश ना रहे, पढ़िए अल्लाह हुम्मा सल्ली अला। मैं तेज कहांगा अल्लाह ने जुबान दिती है ना, इस जुबान तो फायदा उठाइए, इस जुबान दी वजह तो जन्नत मिल जाएगी, पढ़िए अल्लाह हुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस सलाम ने फरमाया वक्त मैनु इजाजत नहीं दे रहा मगर दुरूद दी शान अंदर मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़न दी इन्नी फजीलत है कि इंसान दुनिया ते भी जन्नती हो जाए, आखरत अंदर भी अल्लाह मुकाम आला अता कर दे। अल्लाहु अकबर। फरमाया औलन नासी बी यौमल कियामती अक्सर गुमालिया सलात, ऐ सुनना एक चक दिया बासिया सुनना दरा। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है ना कल कियामत दा दिन कोई मैशर दा मैदान लगिया कोई ते मैं मुहम्मद दा साथ नूं मिल जाए, मैं मुहम्मद दे करीब आ जाए। हजरात दी वकार, अज MNA दे करीब ते गुणा चाहना है, अज MPA दे करीब गुणा चाहना है, ओदे वास्ते बड़िया जनाब मुश्किलां बर्दाश्त करना है। मेरे नबी ने अपने फरमान अंदर फरमाया है ना अगर कोई बंदा चाहता है कियामत वाले दिन मेरे करीब हो जाए, मेरी जात ते कसरत दे नाल दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, कियामत वाले दिन अल्लाह मेरा साथ नसीब कर देगा। हाय हाय हजराते दी वकार, अगर चाहते हो कि मेरे नबी दा साथ मिल जाए फिर करना की पेगा, बोलो ते सही। तुहानू ते बुलाना भी मैनू इंज पैण डे है कि जिस तरह तुसी धक्का स्टार्ट हो, की करना पेगा मेरे नबी दी जात ते, फिर कोई जुबान खामोश ना रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। मेरे भाइयो अपनी दुनिया ऐ जड़ी जिंदगी अल्लाह ने अता कीती है ना, इस जिंदगी बार बार मिलनी नहीं, इस जिंदगी तो फायदा उठाइए। मेरे और मुसा दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ आ रही है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह इंज कह लिए, इंज कह लिए, बेलिया हजूर दिया सुनता बनाया कर, बेलिया हजूर दिया सुनता बनाया कर, दिन राती सोने ते दरोद पहुंचाया कर, बेलिया हजूर दिया सुनता बनाया कर, घर रहन गिया सदा खुशहालिया, घर रहन गिया हमेशा खुशहालिया, और रब भेजदा दरूद दिया डालिया, बेलिया
हजूर दिया सुनता फनाया कर। मेरे नबी दी सुन्नत क्या गए अपनी वजह कता मेरे नबी दे तरीके वाली बना दो और जुबान तो मेरे नबी दी शान ते मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा चाहंदा है मिसाल फरमांदे ने जिस तरह अग बल दी गए ऐ सुन्ना दरा एक चक दिया बासिया अग बल दी गए अग बल दी दे उत्ते पानी डाल लिया जाए अग अग की होएगी अग बुझ जाएगी अग बुझ जाएगी। फरमाया जेड़ा बंदा मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़ना शुरू कर देंदा है अल्लाह दुरूद दी बरकत दी वजह तो ओदे गुनाह माफ कर देंगे। हाय गाय गजराते दिवकार पढ़िए दुरूद अल्लाह हुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ऐ सुन्ना जरा मौला अली सैयदना अली रजी अल्लाह तआला को फरमांदे ने कायनात दे लोगो अगर अल्लाह ताला ने तस्बीह यानी सुभान अल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तहमीद यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अर्शा तो नाज़िल ना कीते गुंदे कलिमात मैं अली नो नबी दी जात ते दुरूद पढ़ना इन्ना पसंद है अली कर वक्त अपने नबी दी जात ते दुरूद पढ़ता रहंदा। हजराते दी वकार अज असी कहते हैं वा ना कि असी मौला अली दे नाल प्यार करने बोलो असी की करने आ मौला अली दे नाल प्यार। मेरा ईमान है मेरा अकीदा है जिस दिल अंदर अली दा प्यार नहीं वह बंदा ईमान वाला वह बंदा ईमान वाला नहीं। मगर अली दी पसंद क्या है वाली मैं तेरी इज्जत तो तेरी अज़मत तो कुर्बान हो जावा। आप दी पसंद है नबी दी जात ते दुरूद पढ़ना मेरे नबी दी जात ते सुबह शाम दुरूद पढ़ना। ते अज अली दे हुबदार जेड़े कहंदे ने असी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अनहु दे नाल प्यार करने आ उन्हां दी की पसंद है उन्हां दी पसंद भंग पसंद है सिगरट पसंद है उन्हां दी पसंद शराब है। मेरे भाईओ सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अनहु दी पसंद क्या है इनू अपना पसंद बना लो। सैयदना अली जैसी अपनी पसंद बना लो अल्लाह दुनिया भी कामयाब कर देगा आखरत भी कामयाब कर देगा। ओ मेरे भाइयों सैयदना अली जैसी पसंद बना के देखिए तो सही आइए दुरूद पढ़ने दे फायदे किन्ने ने। इंसान दुरूद पढ़ता जाए अल्लाह दुनिया दी हर मुश्किल आसान कर देंदे ने। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख बगदाद पढ़न लगा ऐ सुनना जरा अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक इमाम साहब गुजरे ने बहुत बड़े इमाम साहब ने नाम किया गया इमाम रमादी रागीमा गुल्ला अल्लाहु अकबर सुनना जरा बुजुर्गो खसूसन सुनना जरा अल्लाहु अकबर अल्लाह। इमाम साहब जो भी बीमार को जाते ने ते कर दे की ने अल्लाहु अकबर फरमाते ने मैनु बिठा दिता जाए तकिए दी टेक लगा दी जाए अल्लाहु अकबर तकिए दे नाल टेक लगा लेंदे ने पढ़ते की ने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद अल्लाहु अकबर अल्लाह। किसी ने पूछिया इमाम जी लोग बीमार कौन हॉस्पिटल जाते ने लोग बीमार कौन लोग मेडिसन का इस्तेमाल करते ने तुसी बीमार होंदे हो तुसी जनाब तकिए दी टेक लगा लेंदे हो
और दुरूद पढ़ना शुरू कर दियो। ऐ सुनना जरा एक चक दिया बासिया, मैं ते इंज कहांगा, अगर कोई फालच दा मरीद इस अमल ते अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह उहदा फालच दी बीमारी नूं दुरुस्त कर देंगे। अगर कोई शुगर दा मरीद इस जनाब वजीफे ते अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह शुगर खत्म कर देंगे। अगर कोई जनाब दिल दी मरज वाला है इस वजीफे ते अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह दिल दिया बीमारियां खत्म कर देगा। अल्लाह अकबर फरमा देने, ओए मेरे को सवाल करने वालो गल सुनो, मैं जो बीमार गुना नबी की जात ते दुरूद पढ़ना शुरू कर देना, अल्लाह दुरूद दी बरकत दी वजह तो अल्लाह मेरी बीमारी नू दूर कर देंदे ने। ओए पढ़ के ते वेखना दुरूद, पढ़ के ते वेखना, ओए दुरूद दे नाल प्यार करते सही ना, ओए दुरूद दे नाल मोहब्बत करते सही ना। मैं ते इंज कहांगा, सुबह दा नाश्ता दुरूद बना ले, शाम दा डिनर दुरूद बना ले, अल्लाह वेखे अजे किनिया बरकता नादर कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरात दी वकार, जेड़ा बंदा दुरूद नहीं पढ़ता, आखिरी एक दो फरमान सुना के बाद खत्म कर दवांगा, क्योंकि मैनू शेख साहब दे आया दा ख्याल है। मैं नहीं चाहता मैं अपने उस्तादां दी मौजूदगी दे अंदर उन्हां दा ज्यादा वक्त जनाब लिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह एक दो फरमान सुना के बाद खत्म करन लगा, जिन्ना ने हले तक साथियां ने मेरी गुफ्तगू ते तवज्जो नहीं कीती, ऐ एक दो फरमान सुन के ते दित्ती अमल कर लिया जे। अल्लाह अकबर, सैयदना अली सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को फरमान देने, कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा मेरे नबी दी जात ते दुरूद नहीं पढ़ता, मेरे नबी दी जात ते दुरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह अकबर अल्लाह दी दुआ नु कबूल नहीं कर दे। हजरात दी वकार, दुआ कबूल उना ते दूर दी बात, अल्लाह पहले आसमान दा दरवाजा नहीं गुजरन देंदे। अल्लाह अकबर वजह की है, अल्लाह फरमांदे ने जिस बंदे ने मेरे नबी दी शान मेरे नबी दी जात ते दुरूद नहीं पढ़िया, सानू ऐसिया दुआवां दी जरूरत, ऐसिया दुआवां कबूल नहीं करांगे। हजरात दी वकार, अज असी कहने ते गए वा कारी साहब मौलाना साहब साल का साल हो गए ने, असी जनाब दुआवां मंगदे पे आ, जो मंगने आ वो मिलदा नहीं, ओदी वजह मैं दसन लगा। मेरे भाई अज दुआ करन दा तरीका भुल चुके हैं, अज सानू दुआ करन दा तरीका नहीं आंदा, दुआ करन दा तरीका क्या गया। अल्लाह दी कमदो सुना बयान करो, मेरे नबी दी जात ते कसरत दे नाल दुरूद पढ़ो, और अपनियां हाजात अल्लाह दे सामने रखो। फरमाया जेड़ा बंदा इंज कर दे ना, पहले अल्लाह दी कमदो सुना बयान कर दे, मेरे नबी दी जात ते जेड़ा बंदा दुरूद पढ़ दे, फिर जो भी मंग दे असी उन्हों अता कर देने। अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरात दी वकार, आखरी मेरे नबी दा फरमान सुनिए, गल मुकाइए। अल्लाह अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम एक दिन मिंबर ते जलवा फरोत ने, मेरे पाक पैगंबर मिंबर ते तशरीफ फरमाने, ऐ सुनिया एक चक दे आबासिया, एक चक दे अंदर जिंदगी बसर करने वालो, दुरूद तो दूर को करके जिंदगी गुजारने वालो, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम एं मिंबर ते तशरीफ फरमाने, पहला कदम रखिया ते आमीन फरमाया, दूसरा कदम रखिया आमीन फरमाया, तीसरा कदम रखिया आमीन फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे यार साहब इकराम अल्लाह कर देने, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, साडे वालदैन अल्लाह दे नबी जी तुहाडे तो कुर्बान हो जान, अज तुहाडा मिंबर ते जलवा
मेरा फरोज गुणा अज मिंबर ते कदम रखना अज अंदाज अलग इशना ए दी वजह कीए मेरे नबी फरमा दे मेरे साहबाए कराम मैं मिंबर ते पहला कदम रखिया जबरील ने आके दुआ कीतीए मैं आमीन किया है ना अल्लाह अकबर पहली दुआ किया गए अल्लाह ते नबी जी जेड़ा बंदा जिदी जिंदगी अंदर सुने आजे जरा जिदी जिंदगी अंदर वाले दैन बूढ़ा गोगिया दोनों दी अंदरों एक बूढ़ा गोगिया या दोवें बूढ़े गोगे उन्हां दी खिदमत करके जन्नत नहीं ले सकिया फरमाया अल्लाह तबाह को बर्बाद कर दे अल्लाह नु जलील कर दे मेरे भाईओ नबी दी जात ते दरूद भी पढ़ो ते अपने वालिदैन दी खिदमत भी करो मेरे नबी दी जात ते दरूद भी पढ़ो अपने बूढ़े बाप दा अदब भी कीजिए अपनी बूढ़ी अम्मी दा अदब भी कीजिए हजराते दी वकार मैं ते इंज कहांगा उन्हां दे कोलो पुछ के वेखो ना जिन्हां दियां मावां दुनिया तो चलिया गईया ने जिन्ना के बाप दुनिया तो चले गए ने अज उन्हां दियां कमियां कितनिया ज्यादा महसूस होंदियां ने हजराते दी वकार वाले दैन दा कदर कीजिए अगर जिंदा ने कदर कीजिए अगर दुनिया तो चले गए ने दुआ कीजिए अल्लाह अकबर दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया मेरे नबी ने आमीन फरमाया अल्लाह ते नबी फरमा दे ने जबरीले अमीन ने आ करके बद्दुआ कीजिए अल्लाह उस बंदे नु जलील कर दे रसवा कर दे तबाह बर्बाद कर दे अल्लाह नु अपनी रहमत तो दूर कर दे जिदी जिंदगी अंदर रमजान दा मगीना आया है ना अपने अल्लाह दे कोलो अपनी बख्शिश नहीं करवा सकिया अपने अल्लाह दे कोलो माफिया नहीं मंग सकिया तीसरी सीढ़ी ते कदम मेरे नबी फरमा दे ने जबरील ने बद्दुआ कीजिए अल्लाह दे नबी जी जिदे सामने तुहाडा नाम लिया जाए ओ दरूद ना तुहाडे ते पड़े अल्लाह दे नबी जी अल्लाह उस बंदे नु जलील कर दे अल्लाह उस बंदे नु तबागो बर्बाद कर दे हजराते दी वकार आखरी जुमला आखरी पैगाम दुआ करन वाला बद दुआ करन वाला मलाइका दा इमाम है आमीन कहन वाला नबिया दा इमाम है ते अल्लाह कबूल कर लेगा हजराते दी वकार जेड़ा बंदा मेरे नबी दी जात ते दुरूद नहीं पढ़दा वो बंदा दुनिया अंदर बर्बाद है आखरत अंदर भी बंदा बर्बाद है जलील है तो मेरे भाइयो अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है ना इस जिंदगी तो फायदा उठाइए मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़िए दुरूद पढ़न दे फायदे क्या है दुरूद पढ़ना इंसान शुरू कर दे अल्लाह बिन मंगे ही हर चीज अता कर देगा मैं ते इंज कहांगा जेड़ा बंदा मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़ता है ना सुबह भी पढ़ दे शाम भी पढ़ दे ओ अल्लाह ताला दे कोलो कुछ भी ना मंगे अल्लाह दुरूद दी बरकत दी वजह तो बिन मंगे ही उन्हों हर चीज अता कर देंगे तो हजराते दी वकार दुरूद पढ़िए दुरूद दे नाल मोहब्बत कीजिए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजराते दी वकार मुख्तसर वक्त अंदर मुख्तसर जो गुफ्तगु तुसी अहबाब ने समात फरमाइए और मैं अल्लाह दी रहमत दे नाल तुहाडे सामने सबक तुहानू सुनाए अल्लाह मैनू भी और तुहानू भी इस सबक ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए वाखिरु दावाहुम अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साडे मेहमान मुनाज़िरे इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नसार साहब तुहाडे सामने ने इन्हां तो कबल मैं शुक्रगुजार जनाब सलीम साजिद साहब जिहड़े चार चक तो तशरीफ लियाए ने राणा कलीमुल्ला साहब चार चक तो जनाब शाहद महमूद साहब जनाब एहसानुर रहमान साहब आमर यजानी साहब अल्लाह इन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए।